मैं हम क्या सर बहुत कुछ स्वागत में भी टीचर अगर खुले रचना करें पिछले क्लास में हमने सूचित किया था ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का 8.1 लेसन, ठीक है 8.1 लेसन, इसमें मैंने आपको तीन क्वेश्चन का सोल्यूशन बताया था। तो इस क्लास में हम जाने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन जो आपको बेस्ट कंसेप्ट के साथ होगा। तो पिछले वाला वीडियो जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर लेसन 8.1 एनसीईआरटी मैथ का है उसका सेशन नहीं देखे इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर इस वीडियो के लिंक में आराम से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पहला तीन क्वेश्चन का सेशन हो चुका है, अब हम देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या है आपका। मैं आपको क्वेश्चन वाइज सोल्यूशन दे रहा, चलिए चौथा क्वेश्चन दे रहा है, चौथा क्वेश्चन दिया है गिवन 15 cot A बराबर 8, तो फाइंड साइन ए एंड सेक ए, हो गया। क्वेश्चन लिया है 4 नंबर में, गिवन 15 cot A बराबर 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए, यानी कि क्वेश्चन में आपको 15 cot A बराबर 8 लिख दिया है, तो साइन ए और सेक ए का मान पता कर रहा है। चलिए सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन क्या है, 15 cot A बराबर 8 दे दिया है, यहाँ से अगर हम cot A निकालते हैं 8 बाई क्या हो जाएगा 15, ठीक है, यहाँ पर 15 cot A बराबर 8 दिया, यहाँ से cot A निकाल देते हैं क्या देगा 15, यानी 8 बाई 15, वेयर आपको b बराबर कितना हो गया 8 और c बराबर कितना हो गया 15, ठीक है। क्यों cot A का फॉर्मूला क्या था, cot का फॉर्मूला क्योंकि यहाँ पर A है और यहाँ पर भी A पूछा है, तो आप फिगर भी बना सकते हैं और फिगर नहीं भी बना सकते हैं, दोनों के लिए आंसर सेम है, यहाँ पर A ही पूछा है और एंगल यहाँ पर भी दोनों क्या है A है, एंगल सब A है, एंगल जब सेम रहेगा तो आप फिगर बना भी सकते हैं नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वेयर b बराबर A तो b बराबर क्या होगा 15, हमको क्या नहीं पता है एच, इसलिए हाइपोटेन्यूज (2)² + (3)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)² + (2)²
साइड ए बराबर क्या होता है, पी बाई एच। पी कितना है, पी आपका आ गया 15 और एच एच कितना है आपका 17। ठीक है, और सेकंड को आया सेक ए, तो सेक ए बराबर सेक का बराबर क्या होता है एच बाई बी। एच कितना है 17 और बी कितना है आपका 10। ठीक है, यानी कि ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर एक डाउट दिए मैंने आपको, यहाँ पर एंगल ए दिया है, यहाँ पर भी ए दिया है, दोनों को क्या दिया है ए दिया है। जब एंगल क्या होगा सेम होगा तो आप फिगर बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते हैं आपका वही आंसर आएगा। हाँ यहाँ पर डिफरेंट रहेगा, यहाँ पर एंगल अगर डिफरेंट रहेगा तो आपको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। हाइट नंबर को समस्या क्या दिया है, हाइट नंबर को समझ दिया है कि गिवन शेप थीटा बराबर, गिवन शेप थीटा, गिवन शेप थीटा बराबर 13/12 कर रहे हैं कैलकुलेट, कैलकुलेट एल ऑर्डर, एल ऑर्डर त्रिगोनो, त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो गया।
ठीक है, क्वेश्चन में दिया है सेक थीटा बराबर 35 डिग्री द कैलकुलेट एंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी कि आर अदर मतलब क्या हुआ, सेक थीटा दिया है और सेक थीटा को हेल्प से आपको अन्य पांच ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पता करना है। सिक्स रेशियो होता है, इसमें सेक थीटा दिया है, बचा हुआ कितना 5 रेशियो। पहले लिखते हैं गिवन दैट सेक थीटा बराबर 13 और बेस कितना हुआ 12, इसलिए हमको क्या नहीं पता है, हमको पी नहीं पता है। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 13 हो गया 169 हो गया 125 25 कितना गया 5, ठीक है। यहाँ पर एच हाइपोटेन्यूज 13 है, बी कितना है 12 है और पी कितना है 13 के स्क्वायर 12 का स्क्वायर तो हो गया 25 25 के स्क्वायर के अलावा 5। अब हम क्या देख रहा है, इसलिए बारी बारी से जाएंगे, साइन देता है ठीक है, साइन से क्या होता है पी बाई एच, पी कितना है पी आता है जब 5, एच कितना है एच आया 30 करें कॉसेक क्या होता है एच बाई टी, एच बाई टी एच कितना है एच है 13 और टी कितना है टी आपका है 5 हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है बोला बी बाई एच, बी कितना है बी आपका कितना है 12 और एच कितना है एच है 13 हो गया साइन कॉस टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी, पी कितना है पी आपको कितना है पी आया है 5 और बी कितना है 12 बस ये कॉस थीटा क्या होता है बी बाई पी, बी कितना है बी आपका है 12 और पी कितना है पी आपका आया है 5, ठीक है। इस तरह आप किसी भी रेशियो के हेल्प से परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस निकालेंगे, उसके बाद से जो फॉर्मूले कहता है उस फॉर्मूले को आधार पर आप उसको फिट कर लेंगे, आपका आंसर फिट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अब चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन रखते हैं, क्या है क्वेश्चन, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी, देन सो एंगल ए बराबर एंगल बी, ओके। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, यानी कि एंगल ए और एंगल बी क्या है एक्यूट एंगल है, इस प्रकार है कि कॉस ए बराबर क्या है कॉस बी, कॉस ए बराबर क्या है कॉस बी, तो कह रहे हैं सो है, यानी कि दर्शाइए कि दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए बराबर एंगल बी। तो चलिए इसके लिए मैं फॉर्मूला पर क्या बनाते हैं क्लियर बनाता है, ठीक है। अब देखिए एंगल ए एंगल बी क्या है एक्यूट एंगल है, एंगल ए और एंगल बी जब एक्यूट एंगल है तो आपका सी क्या हो गया राइट एंगल होगा, तो यहाँ पर सी आ गया, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर क्या हो गया बी, यहाँ पर चलिए सॉरी सर लिखेंगे गिवन दैट एंगल ए एंड
एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, हो गया। एंगल ए और एंगल बी क्या दिया है आपका, एक्यूट एंगल दिया है, चूंकि साथ में भी दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, तो हमको प्रूव करना है एंगल ए बराबर एंगल बी, प्रूव करना है। साथ में हमको एंगल ए एंगल और बी एंगल एक्यूट एंगल है, यहाँ पर कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, तो हमको प्रूव करना है यह एंगल इस एंगल में क्या है, इक्वल है, यही ना, यह एंगल में इस एंगल क्या है, इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, प्रूफ में चलते हैं, लिखेंगे चूंकि कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी हमको दिया, कॉस ए बराबर कॉस बी हमको दिया हुआ है, तो कॉस ए को अगर हम एंगल मानते हैं तो सामने वाला क्या जाएगा, बेस, सॉरी कॉस ए को एंगल मानते हैं, ए को एंगल मानेंगे सामने वाला क्या आता है, परपेंडिकुलर, क्या आता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, बेस हमारा क्या आ गया एसी, हो गया एसी बाई, और यह हाइपोटेन्यूज क्या आ गया ए, हो गया ठीक। कॉस बी इसको एंगल मानते हैं तो सामने वाला क्या आ गया परपेंडिकुलर, बेस क्या हो गया बी सी हाइपोटेन्यूज, तो बी सी बाई क्या हो गया एसी, हो गया। चलिए इतना रखा रखते हैं, मिल चुका है कि AC by AB बराबर BC by AC, ठीक है, AC by AB बराबर BC by AC, ये मिला है, ठीक है। तो अब हमको देखना है, सॉरी यहाँ पर क्या है BC by AB, क्या होगा BC by AB, और यह AB AB दोनों क्या है सेम है, ठीक है, AC by AB बराबर BC by क्या है AB, यही यहाँ पर आया है, इसको हम क्या करते हैं कैंसिल कर लेते हैं, यह AB यह AB कट दिया, हमारा हो गया AC बराबर BC, ठीक है। अब यह साइड जो है इस साइड क्या हो गया इक्वल, यह साइड BC साइड जो है AC साइड के क्या हो गया इक्वल हो गया। अब जब इक्वल हो गया यह ट्रायंगल ABC जो है वह क्या हो गया आइसोसेलस ट्रायंगल होगा ना, यह ट्रायंगल इसके क्या हो गया इक्वल हो गया, इसलिए क्या हो गया समद्विबाह, आइसोसेलस राइट ट्रायंगल हो गया, इसलिए इन ट्रायंगल ABC AC बराबर क्या BC, सो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलस क्या हो गया आपका कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा आइसोसेलस हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलस राइट ट्रायंगल, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है एबीसी, वह क्या हो गया आइसोसेलस, आइसोसेलस राइट ट्रायंगल एंगल हो गया, सो इसलिए यहाँ पर 90 हो गया, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल क्या हो जाएगा बी या किसी से अराउंड क्या कहेंगे कैसे कहेंगे अराउंड, यानी यह साइड जो है इस साइड के क्या है इक्वल है, यह साइड इस साइड के इक्वल है और यह
डिग्री है, 90 डिग्री है, यह एंगल किस एंगल में क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चूंकि जब ये 90 डिग्री हो ही गया और यहाँ पर हमको फ्रंट एंगल में गया, क्योंकि एंगल एबीसी आज सिर्फ राइट एंगल एंगल, यानी कि संपूर्ण समद्विबाहू के भुज संपूर्ण भी है और दोनों भुजा क्या है, इक्वल है, दोनों एंगल क्या आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस एंगल से, इस क्रिटेरिया से सम्मुख कोण से, यानी कि फ्रंट एंगल पे है या कोरस्पोंडिंग एंगल है, कोरस्पोंडिंग होगा है इसके फ्रंट पे हो गया, यानी क्या है सम्मुख कोण से, किस कोण से, सम्मुख कोण। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक, नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे आपको इसके अगला क्वेश्चन। आप मेहनत करें, कमेंट से लिख के बताएं कैसे आपको वीडियो लग रहा है, अच्छा लगेगा तो मैं आपको ज्यादा टाइम देकर पढ़ाऊंगा।